हेलो दोस्तों, स्वागत है आज आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हमारे जो रियर जो व्हील्स है दोनों पे, ये रियर इसके लेफ्ट और राइट दोनों का ही हम सर्विस करने वाले हैं। तो आपको दिखाते हैं कि कैसे उसकी सर्विस की जाती है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही व्हील को निकाला जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने लेफ्ट साइड का रियर व्हील हमने ओपन कर दिया है। तो फिर अब हम एक्सल निकालने वाले हैं, एक्सल निकालेंगे और ये राइट साइड का है उसको भी हम चेक करने वाले हैं। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने एक्सल को पूरा निकाल लिया है। ओके, तो यहाँ से एक्सल निकाली जाती है, आपको दिखाया उसी तरीके से। तो दोस्तों हमारी कार में प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जब 100 प्लस की स्पीड पर जाते हैं तो हमिंग जैसी एक आवाज़ सुनाई दे रही थी, हमिंग जैसी आवाज़ आ रही थी। तो हमने सोचा पिछले जो दोनों पे है उसको सर्विस की जाए। तो आज हम सर्विस करवाने के लिए आए हैं, तो आपको दिखाएंगे कि क्या फॉल्ट है उसमें। तो यहाँ पर हमने लेफ्ट साइड का रियर व्हील को हमने ओपन कर दिया है और एक्सल को भी निकाल लिया है, आपको दिखाएंगे। तो आप देख रहे हैं ये ब्रेक पैड है, ब्रेक शूज़ है। तो इसकी कंडीशन अभी अच्छी है, तो अभी हम इसको चेंज नहीं करेंगे, यही लगवाएंगे। तो दोस्तों इसके निकालने के बाद पूरा क्लीन करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमारे राहुल भाई क्लीन कर रहे हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर एक कपड़े से ढक दिया है क्योंकि यहाँ पर एक बेयरिंग होती है, तो उस पर कचरा जो हम साफ कर रहे हैं वो अंदर नहीं जाना चाहिए, इसलिए हमने इसको ढक कर रखा हुआ है। आपको दिखाएंगे कि बेयरिंग की कंडीशन क्या है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको बेयरिंग दिखाई दे रही है, ये वाली, ये जो है बेयरिंग लगती है यहाँ पर। तो हमें यही देखना होता है कि ये कंप्लीट है या नहीं है। तो इसको पूरी अच्छी तरीके से देख लीजिए आप, यानी कि यहाँ पर ये जो कॉन आपको दिखाई दे रहे हैं उसके अंदर कोई भी स्क्रैच नहीं होना चाहिए, तभी ये सही होगा। तो आप ये अच्छी तरीके से देख लीजिए। तो यहाँ पर आप पूरी अच्छी तरीके से क्लीन कर दीजिए इसको, पुराना जो ग्रीस है उसको पूरा निकाल दीजिए।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने जो नया वाला ग्रीस है वो पूरा लगा रहे हैं, बेयरिंग पर लगाना पड़ता है। तो हमने जो सर्विस करवाई है वो हम राजू भाई के पास हम सर्विस करवाते हैं। अगर आप गुजरात से हैं और अमरेली ज़िले में हैं तो बगसरा सिटी के अंदर आपको दिखा देता हूँ, मोमाई मोटर्स करके आप गैरेज, और यहाँ पर सभी गाड़ियों का काम किया जाता है। आपको मोबाइल नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने लेफ्ट साइड का जो व्हील है उसको कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखेंगे राइट साइड का व्हील, ये वाला, इसके एक्सल निकालेंगे और बेयरिंग चेक करेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर भी बेयरिंग जो हमने राइट साइड का जो पिछला जो पहिया उसको निकाला उसकी एक्सल को हमने देखा तो ये भी सही है, इसकी भी बेयरिंग ये अच्छी है। तो दोस्तों अब हमें चेक करना पड़ेगा कि गियर ऑयल के अंदर भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, यानी कि उसका ऑयल है वो सही है या फिर उसको चेंज करना पड़ेगा, वो भी हम देख लेंगे। पिछले दोनों पहियों को तो हमने चेक कर लिया है। तो दोस्तों आपने हमारी वीडियो देखी होगी तो हमने डिफरेंशियल का ऑयल जो है वो हमने चेंज कर लिया था, वो आपने देखा होगा। तो जो हमिंग आ रही है उसका क्या प्रॉब्लम है वो हम आपको दिखाएँगे। दोनों पिछले पहियों को तो हमने सर्विस कर लिया, ग्रीस व्रीस लगा के हमने पूरी अच्छी तरीके से दोनों को फिट कर लिया। तो अब देखते हैं कि गियर ऑयल की कंडीशन क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने दूसरा व्हील भी हमने लगा लिया है, दोनों ही रियर व्हील को हमने चेक कर लिया, सर्विस कर ली है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों हम यहाँ पर गियर ऑयल है जो वो थोड़ा कम हो गया है, तो वो हम गियर ऑयल हम डाल देंगे, थोड़ा कम हो गया है। और ये आपको दिखा देता हूँ, निशान का है, निशान ऑयल, ये गियर ऑयल है, ये हम डालेंगे। और इसको चेंज करने के लिए आपको शायद दिखाई दे, यहाँ से डाला जाता है गियर ऑयल को। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा काम पूरा हो गया है, ऑयल भी हमने डाल लिया है। तो अब हम चेक करेंगे गाड़ी को चलाकर कि 100 प्लस जाकर जो कोई जो हमिंग की आवाज़ आ रही थी वो आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है वो हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 80 पर हमारी कार चल रही है, तो मतलब थोड़ी थोड़ी सी माइनर जैसी हमिंग तो आ रही है, हमिंग की आवाज़ आ रही है, पहले जितनी नहीं आ रही है, कम हो गई है। तो मतलब जब ये कार थोड़ी ज़्यादा घूमेगी तब ये बंद हो जाएगी, थोड़ी चलाकर हम देखेंगे।
तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।